यदि आप भी एमएस एक्सेल में प्योर टेबल का प्रयोग करना, टेबल बनाना या फिर चार्ट का प्रयोग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप एमएस एक्सेल पे डबल क्लिक करके एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले इन सभी ऑप्शन का प्रयोग। इंसर्ट टैब के अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप है टेबल्स ग्रुप, और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है प्योर टेबल, और इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को संक्षिप्त करने अथवा अलग अलग विवरण के साथ देखने के लिए होता है। तो चलिए इसका प्रयोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले लगभग आप इस फॉर्मेट में कोई डेटा क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है पूजा क्लास सेल्स रिपोर्ट 2021। मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बना दिया मंथ, यहाँ पर एम्प्लॉई नेम, यहाँ पर सेल्स इन रुपीस कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे मैंने चार मंथ का रिपोर्ट तैयार किया है जनवरी से लेके अप्रैल तक, और यहाँ पर मेरे पास तीन एम्प्लॉय हैं, अरुण, वरुण और वर्षा। और चलो फिर इसका प्रयोग हम लोग प्योर टेबल में करते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद जाएंगे प्योर टेबल में और यहाँ पर प्योर टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये डेटा है वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम इसको न्यू वर्कशीट पे ओके करके ले आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है प्योर टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं मंथ पे क्लिक कर देता हूँ, देखेंगे यहाँ पर मंथ का नाम आ जाता है। और आप ये जानना चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉय के द्वारा जनवरी में टोटल कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना हुआ है, मार्च में कितना हुआ है, अप्रैल में कितना हुआ है, तो आप सेल्स इन रुपीस पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल जनवरी में 1,60,000 दिखा रहा है, फिर बाकी का भी आप इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पर सभी मंथ का टोटल 7,13,775 दिखा रहा है। ये जो डेटा हमको अभी रो वाइज दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आसानी से यहाँ पर कॉलम वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप राइट साइड आएंगे और यहाँ पर देखेंगे रो लेवल्स लिखा है और यहाँ पर कॉलम लेवल्स। ये जो रो लेवल्स मंथ है इसको हम लोग ड्रैग करके कॉलम लेवल पे से लेके चले जाएंगे। तो जो डेटा हमको रो वाइज दिखाई दे रहा था वो अब हमको कॉलम वाइज कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इस रिपोर्ट में एम्प्लॉय नेम को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और चूज फील्ड ऐसे हम लोग एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करके ऐसे देख भी सकते हैं। और आप कन्फर्म हो सकते हैं कि अरुण ने जनवरी में कितना सेल किया था, 45,000, फरवरी में 55, मार्च में 80 और अप्रैल में 56,000, और टोटल इसका जनरेट हुआ है और इसने टोटल सेल किए हैं 2,36,000 रुपए का। और इसी प्रकार आप सभी का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और सभी का टोटल ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए इसको आप फिल्टर करके देखना चाहते हैं इस रिपोर्ट को, तब हम लोग जो एम्प्लॉय नेम है इसको हम लोग ड्रैग करके ये रिपोर्ट फिल्टर में ऐसे ले आएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मुझे समअप मतलब जनवरी का टोटल दिखाई दे रहा है, फरवरी का, मार्च, अप्रैल का भी ऐसे हम लोग देख सकते हैं, और हमें किसी विशेष बंदा का देखना या फिर विशेष मंथ का देखना तो कॉलम लेवल पे जाएंगे और यहाँ से जो सिलेक्टेड आल है, अब मान लीजिए मुझे जनवरी बस का शेयर रिपोर्ट देखना है तो जनवरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी में टोटल सेल हुआ है 1,60,000। तो इस प्रकार आप प्योर टेबल की सहायता से डेटा को संक्षिप्त कर सकते हैं, साथ ही उसके विवरण को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब मान लीजिए अब इसको आप नहीं देखना चाहते हैं, आप प्योर टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो जनरली आएंगे सेलेक्ट में और यहाँ से कर लेंगे इंटायर प्योर टेबल पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करके आप प्योर टेबल को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सीट पर पुनः वापस चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल, और जिसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+T। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड एरिया पर टेबल प्राप्त करने के लिए होता है। जी हाँ, ऐसा आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप टेबल में जाएंगे और जस्ट आपको ओके बस कर देना है इस प्रकार से। तो आप देखेंगे हमें टेबल का डिजाइन मेन्यू भी प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से आप टेबल का रूप रंग आसानी से इसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पर लिख लेते हैं फादर नेम, यहाँ पर लिख लेते हैं कोर्स, और यहाँ कर देते हैं फीस, और यहाँ पर कर देते हैं रिजल्ट। तो इस प्रकार से आप इसमें वर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए वर्क करना मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है। यदि आप वर्क करना नहीं जानते एक्सेल पर तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट मेन्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट मेन्यू है इलस्ट्रेशन ग्रुप, और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप स्मार्ट
स्मार्टर। तो इस ग्रुप का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक और डॉक्यूमेंट से मैच करता हुआ पिक्चर क्लिप आर्ट शेप डालने के लिए होता है। तो चलिए हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन जानते हैं पिक्चर। तो इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल में डॉक्यूमेंट से मैच करता हुआ पिक्चर डालने के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी पिक्चर को आप उसमें डालना चाहते हैं उस पिक्चर को सिलेक्ट कर इंसर्ट कर लेंगे, तो ऐसे पिक्चर आ जाता है। अब इस पिक्चर को जैसे हम लोग इंसर्ट करते तो देखेंगे फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है, जिसका प्रयोग करके आप इस पिक्चर का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ब्राइटनेस, तो यहाँ से पिक्चर ब्राइटनेस कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उस पर ऐसे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसका कंट्रास्ट मतलब भी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रिकलर कर सकते हैं, चेंज पिक्चर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पिक्चर स्टाइल में जाके इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं ऐसे, या फ्रेम बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो ये फ्रेम भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये शेप दे दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये शेप देने के बाद यहाँ पर आते हैं पिक्चर शेप में, तो इसका शेप आप आसानी से ऐसे क्लिक करके उस पर पिक्चर का शेप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया पिक्चर बॉर्डर, तो पिक्चर का बॉर्डर देने के लिए है। जो कलर आपको अच्छा लगता है उस पर ऐसे क्लिक करके पिक्चर का बॉर्डर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल येलो कर देता हूँ, देखेंगे बॉर्डर का मोटाई नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बॉर्डर पर जाते हैं और यहाँ से उसका वेट को हम लोग मोटा कर लेते हैं ताकि पिक्चर का बॉर्डर हमें अच्छे से दिखाई दे इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं तो पिक्चर इफेक्ट में जाके हम लोग चाहें तो यहाँ से हम लोग पिक्चर का और शेप चेंज कर सकते हैं। देखेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट आया है, इस पर क्लिक कर देते हैं। वैसे आप आसानी से पिक्चर में फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, और इन सभी बाकी ऑप्शन का प्रयोग मैंने एमएस वर्ड इंसर्ट टैब के अंतर्गत बता दिया है। यदि आप उसका भी वीडियो नहीं देख पाए हैं, इसका प्रयोग जानना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से वीडियोस देख के ये सभी ऑप्शन का प्रयोग जान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है चार्ट ग्रुप। इसके अंतर्गत देखेंगे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर एंड अदर चार्ट दिया गया है, और इन सभी चार्ट का प्रयोग सेलेक्टेड डेटा को रेखा चित्र के माध्यम से समझाने के लिए होता है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूं। अब हम लोग चार्ट का करना चाहते हैं तो हम लोग जनरली करते हैं क्या है, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग जो भी चार्ट की सहायता से हम लोग डेटा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और यहां से आप जो चाहते हैं उस पर आसानी से क्लिक करके डेटा को समझा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा चार्ट का साइज बड़ा कर लेता हूं, और आप देखेंगे यहां पर देखेंगे अरुण, वरुण, वर्षा, हमारा ये तीन डिटेल है, और एक महीने का यहां पर देखो लिखा है जनवरी जनवरी जनवरी, यहां पर पूरा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का डेटा आ गया है। अब हम इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि जनवरी में अरुण ने कितना सेल किया है, ये देखेंगे 40 और 50 के बीच रेंज सेलेक्टेड है, मतलब 45,000। उसी प्रकार यहाँ पर वरुण का देखेंगे कितना डेटा हुआ है, यहाँ पर सेल किया था 65,000, तो यहाँ पर देखेंगे 65 को टच कर रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 65,000 को 60,000 कर देता हूँ, तो देखेंगे ये जो लाइन अभी 65,000 के बीच टच कर रहा है वो आ जाएगा आपके 60,000 लाइन पर इस प्रकार से। तो ऐसे आप सेलेक्टेड डेटा को चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। यदि ये वाला चार्ट आपको पसंद नहीं आता, दूसरा चार्ट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसको डिलीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करें और जाएंगे इंसर्ट टैब, और यहां से लाइन पे क्लिक करना चाहते हैं, तो ये देखेंगे लाइन चार्ट का प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं, और इसके माध्यम से भी सिलेक्टेड डेटा को रेखा चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+K। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल में किसी दूसरे फाइल को जोड़ने के लिए होता है। इसका प्रयोग कर लेने से खुली हुई फाइल में किसी दूसरे फाइल का लिंक तैयार हो जाता है, और उस पर आप आसानी से क्लिक करके उस फाइल को ओपन करके यहीं पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फाइल का वो आप ऐड करना चाहते हैं, कर लेंगे ओके। जैसे आप ओके करते हैं तो देखेंगे उसका लिंक तैयार हो जाता है, और इस फाइल को आप यहीं पे ओपन करना चाहते हैं तो जनरली इस पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फाइल में रहते हुए किसी दूसरे फाइल को ऐड कर सकते हैं, और उसका फायदा यह होता है कि आप वहीं से उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। देखने के बाद हम लोग जनरली इसको क्लोज कर लेते हैं, और इस प्रकार पुनः हम अपने पुराने फाइल पर वापस आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं टेक्स्ट ग्रुप, और इसके अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसका प्रयोग कर्सर की जगह पर टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रैग करके प्राप्त करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं हेडर फुटर, तो इसका प्रयोग खुली हुई फाइल पर हेडर फुटर देने के लिए होता है। जी हाँ, हेडर का प्रयोग खुली हुई पेज के ऊपर में नाम देने के लिए होता है, और फुटर का प्रयोग पेज के निचले हिस्से में नाम देने के लिए होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, या फिर राइट में देना है। तो राइट में देंगे हम लोग, दे देते हैं जय माता दी। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, हेडर हो जाता है। यदि आप फुटर देना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ
पर देखिए लिखा है क्लिक टू ऐड फुटर, तो आप लेफ्ट में देना है तो यहाँ क्लिक करेंगे सेंटर के लिए यहाँ और राइट के लिए यहाँ। तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ दे सकते हैं और मैंने ऑलरेडी हेडर यूज कर लिया तो फुटर का उपयोग नहीं करेंगे। और इसको नॉर्मल देखने के लिए पुनः व्यू में जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे नॉर्मल पे क्लिक, तो आपका पेज ऐसे नॉर्मल हो जाता है। अब आप कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो मैंने हेडर दिया था वो है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जय माता दी आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, सिम्बल। इन सभी ऑप्शन का प्रयोग मैंने MS Word इंसर्ट टैब के अंतर्गत बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन सभी ऑप्शन का प्रयोग जानना चाहते हैं तो आप वहां पर क्लिक करके इस ऑप्शन को आसानी से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप MS Excel इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। और साथ ही यदि इसी तरह के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।